यमुनानगर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने नेशनल हाईवे के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में अनाज मंडी गेट पर किया प्रदर्शन। किसानों ने इस दौरान नेशनल हाईवे और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी धरना प्रदर्शन के बीच किसानों के प्रतिनिधि मंडल की नेशनल हाईवे के अधिकारियों से मुलाकात करवाई। किसानों के अधिकारियों ने बताया कि नेशनल हाईवे वालों ने उनके मुआवजे का पैसा कोर्ट में जमा करवा दिया है और केस की भी जल्दी सुनवाई की बात प्रशासन कर रहा है, इसलिए हम इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि केस की जल्दी सुनवाई करवा देंगे और एक ही कोर्ट में सभी केसों को करवा देंगे और जो अपडेट डली हुई है उसको भी हम जल्दी करवा देंगे, अर्ली हियरिंग पर लगवा देंगे। और जो NHI वाले हैं उन्होंने कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए भी लिख के दे दिया है और उन्होंने कोर्ट में पैसे जमा करवाने के लिए भी लिख के दे दिया है। तो अभी हमने ये फैसला कर लिया है कि अभी इस आंदोलन को स्थगित करवाएंगे, क्योंकि जब पैसा वो कोर्ट में उन्होंने जमा करा दिया, वो पैसा एक तरह से ये है कि उनके पास से आ चुका है, ये हमारी उसमें डेवलपमेंट है और केस की जो है वो जल्दी सुनवाई की करने की बात कर रहे हैं। तो अभी आंदोलन चलाने का, कोर्ट में पैसा जाने के बाद आंदोलन चलाने का कोई मतलब नहीं बचता है। हाँ, अभी हम एक और ये पता करेंगे कि पूरे हरियाणा में अगर कहीं भी इन्होंने इस तरह की पेमेंट की हो कि आर्बिट्रेटर का फैसला आने के बाद उसकी पेमेंट कर दी हो और उसका केस भी चल रहा हो, अगर हमें कोई ऐसा केस पूरे हरियाणा में मिला तो फिर हम दोबारा पंचायत इसके बारे में जरूर बुलाएंगे और फिर अगला निर्णय उस पंचायत में जरूर लेंगे। मांग है हमारी कि जो आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने मुआवजा बढ़ाया है, वो बड़ा मुआवजा किसानों को दिया जाए। लेकिन NHI वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है कि मुआवजा ज़्यादा बढ़ा दिया है और वो मुआवजा कम किया जाए, उन्होंने कोर्ट से एक तरह से रिक्वेस्ट की है। तो अब उसमें वो पैसा कोर्ट में जमा करवाने के लिए तैयार हो गए हैं जो आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया है। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, YES TV। ऐसे ही खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए YES TV।